हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं आर्कियोपेरिक्स लिथोग्राफिका के बारे में। जैसा कि आप सब जानते होंगे, आर्कियोपेरिक्स लिथोग्राफिका जो कि बर्ड और रेप्टाइल्स दोनों के करेक्टर को पोजेस करता है, उसे हम आज के समय में फॉसिल रिकॉर्ड में ही उसके बारे में जान पाते हैं। तो दोस्तों, आज हम इसी बर्ड और रेप्टाइल्स के दोनों के करेक्टर को पोजेस करने वाली जो बर्ड है आर्कियोपेरिक्स लिथोग्राफिका, इसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप जैसे कि देख सकते हैं फिगर में, लेफ्ट साइड से स्टार्ट है जो फिगर में नेमिंग्स दी हुई हैं, जैसे कि टेल है, फीदर, हाइंड लिम्ब, टिथ, बीक, आईज, नेक, क्लॉज, विंग्स, रिब्स, फोर लिम्ब्स, जैसे कि ये फिगर दिया हुआ है। और दोस्तों, अगर हम इसकी डिटेल स्टडी करना चाहें तो दोस्तों देख सकते हैं आर्कियोपेरिक्स लिथोग्राफिका के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं दिए हुए हैं, जैसे कि द अर्लीस्ट नोन बर्ड इन द फॉसिल रिकॉर्ड इज आर्कियोपेरिक्स लिथोग्राफिका, जो सबसे पहले जानी गई जो बर्ड्स थी फॉसिल रिकॉर्ड में वो कौन सी थी, तो आर्कियोपेरिक्स लिथोग्राफिका विच मीन्स एंशियंट विंग, जिसका मतलब होता है एंशियंट विंग, इट्स फर्स्ट फॉसिल रिकॉर्ड अकॉर्ड फ्रॉम लेट ज्यूरेसिक पीरियड अबाउट 140 मिलियन ईयर्स एगो। अगर हम बात करें आर्कियोपेरिक्स लिथोग्राफिका के सबसे पहले फॉसिल रिकॉर्ड जो पाया गया था वो लेट ज्यूरेसिक पीरियड में पाया गया था, अबाउट 140 मिलियन ईयर्स एगो, लगभग 140 मिलियन ईयर्स पहले, बाई एंड्रस वैगनर इन 1861। एंड्रस वैगनर के द्वारा 1861 में इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड, सबसे पहली बार ये डिस्कवर्ड किया गया था किसको, तो आर्कियोपेरिक्स लिथोग्राफिका को, कहाँ पे, तो इन ए स्लैट क्वेरी एट लेजनेल्थिम बावरिया एट जर्मनी, जर्मनी में बावरिया नामक जगह पे स्लैट क्वेरी में एंड्रस वैगनर के द्वारा 1861 में सबसे पहली बार इसके फर्स्ट फॉसिल के रिकॉर्ड को खोजा गया था एंड्रस वैगनर के द्वारा। और इट्स सेकंड एंड थर्ड स्केलेटन वाज डिस्कवर्ड इन 1877 एंड इट्स सेकंड स्केलेटन वाज डिस्कवर्ड इन 1956 रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द सेम लोकेलिटी, एक ही उसी लोकेलिटी से एट द जर्मनी बावरिया में ही 1877 में इसका पहला, सॉरी, इसका सेकंड स्केलेटन खोजा गया था और थर्ड जो स्केलेटन था वो 1956 में पाया गया था। आर्कियोपेरिक्स लिथोग्राफिका सीम्स एज अ टेरेस्ट्रियल बर्ड ऑफ अबाउट द साइज ऑफ क्रो। अगर हम बात करें आर्कियोपेरिक्स के साइज की, तो उसका साइज जो है वो बताया जाता है कि एक क्रो, कौवे के समान था, विथ ए लॉन्ग टैपरिंग टेल, एक लंबी चपटी पूंछ के साथ, लाइक दैट ऑफ ए टिपिकल डायनासोर, जैसा कि एक आदर्श स्वरूपी डायनासोर की टेल को देखें, उसके पूंछ के समान ही इसकी भी पूंछ थी, आर्कियोपेरिक्स की भी पूंछ थी। और दिस प्रिमिटिव बर्ड इज कंसीडर्ड टू बी ए कनेक्टिंग लिंक और ट्रांजिशनल स्टेज बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स बिकॉज इट पोजेस बोथ द रेप्टिलियन एज वेल एज एवियन कैरेक्टर्स। जैसा कि दोस्तों हमने पहले ही बताया कि ये जो प्रिमिटिव बर्ड है आर्कियोपेरिक्स, इसे माना जाता है एक कनेक्टिंग लिंक या ट्रांजिशनल स्टेज की तरह बिटवीन द रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स के बीच, एंड बर्ड्स, रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बीच में माना जाता है इसे ट्रांजिशनल स्टेज की तरह, क्योंकि आर्कियोपेरिक्स पोज करती है, धारण करती है क्या, तो द रेप्टाइल्स एज वेल एज एवियंस, रेप्टिलियन एज वेल एज एवियन, बोथ कैरेक्टर्स, दोनों के कैरेक्टर्स को रखती है। दोस्तों, अभी हम कुछ रेप्टाइल्स के और कुछ बर्ड्स के भी कैरेक्टर्स को आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ इसमें पाए जाने वाले, आर्कियोपेरिक्स में पाए जाने वाले कुछ रेप्टाइल्स के कैरेक्टर, रेप्टिलियन कैरेक्टर्स ऑफ आर्कियोपेरिक्स। तो आर्कियोपेरिक्स शोज स्ट्रांगली रेप्टिलियन कैरेक्टर्स, आर्कियोपेरिक्स की बात करें तो ये स्ट्रांगली रेप्टिलियन कैरेक्टर्स को शो करता है, जैसे फर्स्ट है स्केल्स आर प्रेजेंटेड ऑन द बॉडी एंड लिम्ब्स, आर्कियोपेरिक्स की बॉडी और लिम्ब्स, भुजाओं पे, दोनों पे स्केल्स प्रेजेंटेड थे। सेकंड इज द बोन्स आर नॉट न्यूमेटिक, बोन्स जो थी वो न्यूमेटिक नहीं थी आर्कियोपेरिक्स में, जबकि बर्ड्स, आजकल की बर्ड्स जो हैं उनमें अगर बात करें तो उनके बोन्स जो होती हैं वो न्यूमेटिक होती हैं, जबकि आर्कियोपेरिक्स की बर्ड, आर्कियोपेरिक्स की जो बोन्स थी वो न्यूमेटिक नहीं थी, इसलिए इसे
रेप्टिलियंस के कैरेक्टर में माना जाता है। थर्ड कैरेक्टर इज द स्ट्रॉन्ग जॉ आर प्रोवाइडेड विथ होमोडॉन पेगलाइक टिथ लॉग्ड इन ए सॉकेट। जो मजबूत दांत थे, सॉरी जो मजबूत जॉ जबड़ा था, द स्ट्रॉन्ग जॉ, वो प्रोवाइडेड किससे था, तो होमोडॉन्ट और पैग लाइक टिथ खूंटी के नुमा दांत थे जो कि सॉकेट में लॉज थे, सॉकेट में प्रेजेंटेड थे। और फोर्थ कैरेक्टर इज इट्स लॉन्ग टैपरिंग लीजर लाइक टेल, मतलब कि जो आर्कियोप्टेरिक्स की लंबी चपटी छिपकली की नुमा लीजर्ड लाइक जो टेल थी, कंपोज्ड किससे थी, तो कंपोज्ड ऑफ 20 फ्री काउडल वर्टिब्री, कंपोज्ड ऑफ अबाउट 20 फ्री काउडल वर्टिब्री, 20 फ्री काउडल वर्टिब्री से बनी हुई थी। और इसमें पाइगो स्टाइल नहीं पाया गया था, देर इज नो प्रेजेंटेड पाइगो स्टाइल। ये थे कुछ कैरेक्टर्स रेप्टाइल्स के इन द आर्कियोप्टेरिक्स। अगर हम बात करें एवियन कैरेक्टर्स ऑफ आर्कियोप्टेरिक्स, आर्कियोप्टेरिक्स में पाए जाने वाले कुछ बर्ड्स के कैरेक्टर्स, एवियन के कैरेक्टर्स, तो द आर्कियोप्टेरिक्स हैव ए ट्रू एवियन कैरेक्टर्स एज फीदर विच कॉज डाउट टू बी ए बर्ड इन फॉलोइंग फीचर्स। आर्कियोप्टेरिक्स में के बॉडी में बात करें तो सबसे मेन करेक्टर जो है वो फीदर होता है, जो कि एक डाउट, एक शंका पैदा करता है कि इसमें जो ये आर्कियोप्टेरिक्स है वो बर्ड है, वो जो थी वो एक बर्ड थी, क्योंकि उसके पास फीदर्स पाए गए थे, पंख पाए गए थे। तो सबसे पहला करेक्टर है एवियन करेक्टर आर्कियोप्टेरिक्स में कि इट्स बॉडी इज कवरिंग ऑफ वेल डेवलप्ड फ्लाइट फीदर्स। जो बॉडी थी आर्कियोप्टेरिक्स की वो भली भांति विकसित एक फ्लाइट मीन्स उड़ने वाली पंख से कवर्ड थी बॉडी आर्कियोप्टेरिक्स की। ये था फर्स्ट करेक्टर। सेकंड करेक्टर इज द फोर लिम्स, जो आगे की दो भुजाएं थी, फोर लिम्स मॉडिफाइड एज अ विंग फॉर फ्लाइट बियरिंग रेमिजेज 3 digits ईच ऑफ विंग्स। मीन्स अगले जो दो पांव थे आर्कियोप्टेरिक्स के वो बियर्स थे, सॉरी वो मॉडिफाइड थे एज अ विंग, एक पंख नुमा स्ट्रक्चर में मॉडिफाइड हो गए थे, जो कि उड़ने में हेल्प कर रहे थे। और उसमें प्रेजेंटेड क्या थे, तो रेमिजेज प्रेजेंटेड थे, जो कि 3 digits इन ईच विंग, प्रत्येक तरफ पाए जाने वाली जो पंख थी, विंग्स थी, उसमें 3 digits ऑफ रेमिजेज प्रेजेंटेड थे। ये था सेकंड करेक्टर। एंड थर्ड करेक्टर इज द टेल बियरिंग इलांगेटेड रेक्टरीजेज अरेंज्ड इन टू 2 lateral rows। जो पूंछ थी, टेल थी आर्कियोप्टेरिक्स की, उसमें क्या थे, तो इलांगेटेड रेक्टरीजेस थे, जो कि अरेंज्ड थे किसमें, तो दो लेटरल साइड में पाए जाने वाले रो में अरेंज थे। और द फोर्थ एंड लास्ट करेक्टर ऑफ द एवियंस इन द आर्कियोप्टेरिक्स इज द टू जॉ, दो जबड़े जो थे आर्कियोप्टेरिक्स के, 2 jaws आर इलांगेटेड, वो लंबे थे, इन टू ए बीक, और एक बीक लाइक चोंच नुमा स्ट्रक्चर को फॉर्म किए थे। ये थे कुछ एवियन करेक्टर्स ऑफ आर्कियोप्टेरिक्स, आर्कियोप्टेरिक्स में पाए जाने वाले कुछ एवियंस के करेक्टर्स, बर्ड्स के करेक्टर्स। फ्रेंड्स, फिर से हम देख लेते हैं आर्कियोप्टेरिक्स के फिगर को। जैसा कि यहाँ स्ट्रक्चर में लेफ्ट साइड से अगर स्टार्ट करें तो फर्स्ट है टेल, सेकंड इज द फीदर, थर्ड इज द हाइंड लिम्ब, फोर्थ इज द टीथ, फिफ्थ इज द बीक, सिक्स्थ इज द आई, सेवन्थ इज द नेक, एट्थ इज द क्लॉज, नाइन्थ इज द विंग, एंड टेंथ इज द रिब्स, एंड इलेवेंथ इज द फोर लिम्ब्स, दैट इज द विंग, जिसे विंग जो कि विंग के स्ट्रक्चर में मॉडिफाइड हो चुका था। तो ये था दोस्तों आर्कियोप्टेरिक्स लिथोग्राफिका का स्ट्रक्चर, जिसे हम फॉसिल रिकॉर्ड में आज पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों फिर से अगर हम कुछ शॉर्ट में इसे दोहराना चाहें, तो सबसे पहले हम आपको बता सकते हैं कि आर्कियोप्टेरिक्स लिथोग्राफिका जो थी वो सबसे पहले फॉसिल रिकॉर्ड में पाई जाने वाली बर्ड थी, और इसे लेट ज्यूरेसिक पीरियड में 140 million years ago खोजा गया था बाई द एंड्रस वैगनर 1861 में फ्रॉम द स्लैट क्वेरी एट बावरिया जर्मनी से। और इसका जो सेकंड और थर्ड स्केलेटन था वो डिस्कवर किया गया था 1877 एंड 1856 रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द सेम लोकेलिटी, एक ही लोकेलिटी से। और इस बर्ड को ये जो आर्कियोप्टेरिक्स लिथोग्राफिका है, इसके अंदर बोथ द बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स दोनों के करेक्टर पाए जाते हैं, इसलिए इसे एज अ कनेक्टिंग लिंक और ट्रांजिशनल स्टेज के रूप में माना जाता है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा टॉपिक आर्कियोप्टेरिक्स लिथोग्राफिका, जो कि एक मेन टॉपिक है फॉर द एग्जाम्स। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। थैंक यू।